हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब भी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे मॉर्निंग में कुछ काम था, इसीलिए मैं रीडिंग नहीं अपलोड कर पाई हूँ, तो आज मॉर्निंग में मैंने रीडिंग नहीं की, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, तो अभी टाइम मिला है तो मैं जल्दी से आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, आप सभी के लिए। और रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज में आपको क्या मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़, सरप्राइज, ब्लेसिंग या एनी टाइप ऑफ न्यूज़ जो भी रीडिंग में आएगी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम आपका लव, हेल्थ और वर्क तीनों फैक्टर के बारे में बात करेंगे और एंड में गॉड की तरफ से कुछ आंसर्स आपके लिए मैं लूँगी, कुछ मैसेजेस गॉड की तरफ से, गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे ये भी हम पता करेंगे, और साथ ही उनके वो आपको किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे ये भी मैं आपके लिए पता करूँगी। ठीक है, तो मैं जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले, क्योंकि आप सभी को सबसे पहले लव लाइफ के बारे में जानना होता है, तो सबसे पहले लव लाइफ से स्टार्ट करते हैं, फिर आपके वर्क के बारे में जानेंगे, देन आपके हेल्थ के बारे में। ठीक है, इस हफ्ते आपकी हेल्थ, मतलब आने वाले 7 दिन में आपकी हेल्थ, आपका वर्क, आपकी लव लाइफ कैसी रह सकती है यही हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो रीडिंग को एंड तक देखना, और रीडिंग टाइमलेस है गाइज, और कब जब भी आपका मन करे आप देख सकते हैं, और जनरल है तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसको रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और अगर रीडिंग बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करती तो आपके लिए फिर ये मैसेजेस नहीं है, आप दूसरे चैनल पर जाकर रीडिंग देख सकते हैं या फिर नेक्स्ट रीडिंग के आने का वेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या आता है, लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी आने वाले 7 दिनों में। ओके, वी हैव द सन। वाओ, पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है हमारे पास, सन कार्ड, ब्यूटिफुल। तो डेफिनेटली लव लाइफ में कोई गुड न्यूज आ सकती है आपके पास। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कोई पार्टनर, आप किसी पार्टनर से मिले आने वाले 7 दिनों में। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कोई आ रहा है आपके पास, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वेरी पॉजिटिव, किंग ऑफ व्हील्स होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं गाइज और क्या आता है। चलिए एक और कार्ड आ गया, मैजिशियन। ओके, यहाँ पर है लियो, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। वेट अ सेकेंड, और देखते हैं गाइस क्या आता है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स से मुझे लगता है कि ये वो पर्सन है जिसने आप पर नजर रखे हुई है। ठीक है, आपको स्टॉक करते हैं ये पर्सन, हो सकता है कि आप इस पर्सन को जानते हैं या नहीं भी जानते, बट ये पर्सन आपको जानते हैं, ये पर्सन आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, और हो सकता है प्लानिंग कर रहे हो आपको अप्रोच करने के लिए या आपको प्रपोज करने के लिए, क्योंकि विद अ मैजिशियन कार्ड मुझे लगता है ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई है जो आपके लिए भी मैनिफेस्ट कर रहा है। अभी कौन है देखते हैं गाइज, और कार्ड निकालते हैं, ये पर्सन कौन है जो आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, आप पर नजर है इस पर्सन की, इस पर्सन की नजर आप पर है। सेवन ऑफ कप्स, ओके, वाटर साइन, यहां पर अर्थ, एयर एंड वाटर साइन है,
फायर साइन में से सन है और लियो है हमारे पास. ओके द हेरोफेंट. गाइज ये जो भी पर्सन है ये अच्छे घराने से हैं, खाते पीते घर से हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है. इस पर्सन की फैमिली बहुत एजुकेटेड है और ये पर्सन भी काफी एजुकेटेड है. ठीक है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं इसके घर घर में. एंड किंग ऑफ सोर्ड्स. ओके एंड किंग ऑफ वैंड्स. ओके ओके गाइस, बॉटम द डेक से आया है एस ऑफ व्हील्स यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स. कुछ के लिए ये पर्सन न्यू है, कुछ के लिए डेफिनेटली ये पर्सन बिल्कुल न्यू है. और आपके पास मुझे लगता है दो चॉइस हो सकती है आने वाले 7 दिनों में. हो सकता है कि जिससे आप जिसके साथ आप कोई कनेक्शन फील करते हैं या प्यार भी करते हैं, ठीक है, उस पर्सन में, और कोई एक नए पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री करते हुए मैं देख रही हूँ. ठीक है, और ये पर्सन वो है जो बहुत टाइम से आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा है, आपको काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पर भी स्टॉक कर रहा है. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है ये पर्सन, जो भी ये पर्सन है, क्योंकि विद द एस ऑफ व्हील्स मुझे लगता है कि टोटली न्यू पर्सन है. थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो सकता है कि किस तरीके से अप्रोच करें, किस तरीके से आपको बताए अपनी फीलिंग्स के बारे में. हो सकता है कि इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में हो ये पर्सन. लेकिन यस, मैं देख रही हूँ किसी और को भी आपके लाइफ में आते हुए. ठीक है, और तो आपके पास चॉइस होगी आने वाले 7 दिनों में, आपको किसको चुनना है. ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 किंग्स आए हैं. ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वैंड्स. ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पास चॉइस होगी, आपको किसको चुनना है या किसके प्यार को. आपको मूव ऑन करना है पिछले पार्टनर से, या फिर अब आपको नए पार्टनर के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है. इसको आपको हाँ कहना है या नहीं कहना है, ठीक है, ये आप पर है. लेकिन ये वो पर्सन है जो डेफिनेटली काफी टाइम से आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा है. विद द सन कार्ड काफी पॉजिटिव फीलिंग्स है आपको लेकर. ठीक है, तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं या आपको किसी पर क्रश है, तो हो सकता है कि इस पर्सन के अलावा कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको अप्रोच कर दे. विद द हेरोफेंट डेफिनेटली पर्सन बहुत एजुकेटेड होंगे, काफी अच्छे घराने से होंगे, पढ़े लिखे होंगे. ठीक है, इनको बात करने की तमीज होगी और इनका अपना एक ओपिनियन होगा हर एक बातों में. तो काफी मैच्योर है ये पर्सन. ठीक है, और हो सकता है कि जिससे आपका पहले आप किसी के भी साथ अगर कनेक्शन फील करते हैं, तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो पर्सन तो अभी भी आपको शायद क्लैरिटी ना दे, अभी भी कंफ्यूजन में है ये पर्सन, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन यस, कोई एक पर्सन है जो आपके पास में आते हुए देख रही हूँ. आपकी न्यू लाइफ सॉरी आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ तो चेंज होने वाला है, कोई नया पर्सन एंटर करने वाला है, या फिर डेफिनेटली गाइस आपके पास ऑप्शन है आने वाले टाइम में. ठीक है, तो जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए मैसेजेस हैं, डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ व्हील्स मुझे बता रहा है एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में. ठीक है, कुछ नया हो सकता है. अब आपकी मर्जी, आप इस पर्सन को अपना दोस्त बनाएंगे या आप इसको एज अ पार्टनर आप इसके साथ एक कनेक्शन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ये आपके ऊपर होगा. लेकिन ये ऐसा आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है. ठीक है, अब मैं बता दूं, अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन है नया आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो, ये उनके केस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है, ये वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, थर्ड पार्टीज आती हैं. ठीक है, तो आप चाहें तो अगर आपको ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी लगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर किसी के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो, तो अगर आपको लगेगा कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री चाहता है और आप उसको थर्ड पार्टी समझ रहे हो, तो आपकी मर्जी है, आप उनके साथ अपनी एनर्जी क्लियर भी कर सकते हो. ठीक है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि डेफिनेटली हमें थर्ड पार्टीज को क्लियर करना होता है ताकि हम अपने डेस्टाइन पार्टनर के मतलब करीब आ जाएं यूनियन के. ठीक है, तो डेफिनेटली गाइस जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है, उनके लिए ये थर्ड पार्टी हो सकती है. अदरवाइज अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, तो डेफिनेटली आपके पास चॉइस होगी. ठीक है, दो पर्सन
आ सकते हैं आपकी लाइफ में। तो अब आपको देखना है आपको किसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। चलिए अब आपकी वर्क लाइफ देख लेते हैं, वर्क में क्या होगा। वी हैव पैशन इग्नाइटेड, ओके, नंबर वन। एंड थर्ड आई चाक्रा, नंबर सिक्स। कंफ्लिक्ट एंड डिफीट, नंबर फाइव। एंड न्यू बिगिनिंग, ओके। एंड वी हैव मटेरियल हार्वेस्ट। देखो गाइज, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आपको न्यू जॉब मिलने वाला है या तो, ठीक है, या फिर आपका न्यू प्रमोशन, मतलब प्रमोशन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट हो, ठीक है, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से कह रहे थे अपने बॉस को या अपनी कंपनी में किसी को भी, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, ठीक है, वर्क लाइफ में भी। पैशन इग्नाइटेड का मतलब है एस ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे अपने काम को करने के लिए। और न्यू बिगिनिंग का मतलब है आपका प्रमोशन या कोई न्यू जॉब आपके पास आ रहा है, ठीक है। थर्ड आई चक्र का मतलब है डेफिनेटली आपने अपने वर्क में ज़्यादा एफर्ट्स लगाने शुरू कर दिए हैं, और जो भी कन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा था अगर आपकी जॉब में, या आपकी जॉब खतरे में थी, तो मुझे लग रहा है या तो आपको नई जॉब बहुत अच्छी मिल जाएगी, या फिर आपके जो भी कन्फ्लिक्ट हैं करंट कंपनी के अंदर जहाँ पे भी आप काम करते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और आपको शांति मिलेगी, आपको पीस मिलेगा, आपको इनफ, आपकी मटेरियल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ देख रही हूँ। तो आने वाले 7 दिन डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं वर्क लाइफ में भी। चलिए अभी देख लेते हैं हेल्थ कैसी रहेगी आपकी। ओके, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, एंड ट्रायंफ एंड सक्सेस, एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। अगर आपको स्टमक एक होता है, या आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम है, या कोई भी स्टमक पेन आपको होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप ट्रीटमेंट कराइए अपना, ठीक है। और जो भी एक्सरसाइज गॉड अगर आपको बोलते हैं, और गॉड मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी, डॉक्टर आपको बोलते हैं, तो वो चीज़ आप कीजिए, ठीक है, तभी जाके आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ हो सकता है कि स्टमक वगैरह का इशू कुछ है, हो सकता है ऐसा गाइस कि स्टोन वगैरह हो आपके स्टमक में, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ मैं इशू देख रही हूँ, ठीक है, स्टमक के साथ। तो थोड़ा सा डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें अच्छे से, और आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत है अगर आपको थोड़े इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं तो, ठीक है, अदरवाइज़ तो ज़्यादा कोई बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, लेकिन अगर छोटे मोटे इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना है। और बाकी सब कुछ ठीक है, सब कुछ बैलेंस में है, बस आपको स्टैंड लेना है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या फिर आप थोड़ा मॉर्निंग वॉक्स शुरू कर दें, मेडिटेशन करना शुरू कर दें, आपको और ज़्यादा पीस मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा आपकी बॉडी को, ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हैं। बाकी मॉर्निंग वॉक आप कीजिए सुबह 6 बजे या 5 बजे उठकर, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए अब देखते हैं गॉड आपसे क्या कहना चाहेंगे, एक बार ही देख लेते हैं उनके मैसेजेस भी क्या कहेंगे आपसे। चलिए एक कार्ड आ गया, किंग ऑफ कप्स। गाइस, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए,
थोड़ा अपने बिहेवियर को थोड़ा सा आप और ज़्यादा पोलाइट हो जाइए, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में इरिटेट हो रहे हैं, स्टक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है आप दूसरों से भी गुस्से में बात करेंगे। एंड द स्टार, और थोड़ा पेशेंस रखना सीखिए, ठीक है। अपने सपनों पर भरोसा कीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ मिलेगा आपको, ये कह रहे हैं गॉड आपसे। एंड नाइट ऑफ सोर्स, डेफिनेटली एक्शन ले लीजिए, एक्शन लेने का बिल्कुल टाइम आ गया है, एफर्ट्स बढ़ा दो अपने। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे अपनी लाइफ में, सब कुछ मिलेगा आपको जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्शन ले लीजिए लेकिन अपने वर्क के लिए। एंड जो भी चीजें आपकी आउट ऑफ कंट्रोल है, जिन चीजों पर कंट्रोल नहीं है आपका, तो उसको आप सरेंडर कर दो डिवाइन को, ठीक है। उन चीजों को सरेंडर करके बाकी आप अपने एफर्ट्स बढ़ा दो, फिर जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा गॉड आपको वही देंगे। उन पर भरोसा तो रखो गाइस, भरोसा रखो और सब्र करना सीखो, बस ये गॉड चाहते हैं आपसे कहना। और देखते हैं, यू एंड योर लव वन आर सेफ, डेफिनेटली आप और आपके लव वन बिल्कुल सेफ हैं। एंड कार्ड आया है, कम्युनिकेशन इज अ की। आप चाहें तो गॉड से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, गॉड आपको कह रहे हैं कि आपका हार्ड वर्क डेफिनेटली पे होगा, ठीक है। तो आने वाले 7 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वर्क लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट है, हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा अगर थोड़े बहुत इश्यूज हैं तो। बाकी लव लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई न्यू पर्सन भी आ सकते हैं, ठीक है। अभी आपके ऊपर आपको करना क्या है, ठीक है। तो जिसके भी साथ रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।